नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। 26 नवंबर 2008 इस तारीख को भारत कभी नहीं भूल सकता। 26 नवंबर यानी कि आज देश इस आतंकी हमले की 15वीं वर्षी मना रहा है, लेकिन इस दिन को याद करके देशवासी आज भी सिहर जाते हैं। अगर ये कहे कि ये आजाद भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ा आतंकी हमला था तो गलत नहीं होगा। इस हमले में 18 सुरक्षा कर्मियों समेत 166 लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आतंकियों ने देश के सबसे सुरक्षित जगहों में से एक ताजमहल होटल को निशाना बनाकर हमारी सुरक्षा व्यवस्था के दावों की भी पोल खोल दी थी। यही वो दिन था जब सपनों की नगरी मुंबई में पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों के कदम पड़े थे। 26 नवंबर 2008 की शाम तक मुंबई हर रोज की तरह चहलकदमी कर रही थी। शहर के हालात पूरी तरह सामान्य थे, लोग बाजारों में खरीदारी कर रहे थे। कुछ लोग मरीन ड्राइव पर रोज की तरह समुद्र से आ रही ठंडी हवा का लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ने शुरू हुई, वैसे वैसे मुंबई की सड़कों पर चीख पुकार की आवाजें तेज होती चली गईं। हमले से 3 दिन पहले यानी 23 नवंबर को पाकिस्तान के कराची से सभी 10 आतंकी एक नाव के जरिए मुंबई के लिए निकले थे। समंदर के रास्ते ही उन्होंने मुंबई में एंट्री की। भारतीय नौसेना को चकमा देने के लिए रास्ते में उन्होंने एक भारतीय नाव को अगवा किया और नाव में सवार सभी लोगों को मार दिया। इसी नाव के जरिए वे रात करीब 8 बजे कोलाबा के पास मछली बाजार में उतरे। स्थानीय मछुआरों को उन पर शक हुआ था, उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना भी दी, लेकिन पुलिस ने इसे हल्के में लिया था। पुलिस को रात 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। बताया गया कि यहाँ रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की है। इन हमलावरों में एक मोहम्मद अजमल कसाब था, जिसे फांसी दी जा चुकी है। दोनों हमलावरों ने AK-47 राइफल से 15 मिनट गोलीबारी कर 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 100 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया। शुरू में किसी को अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा हमला हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इस हमले के पैमाने और संजीदगी का अनुमान होना शुरू हुआ। 26 नवंबर की रात में ही आतंकवाद निरोधक दस्ते के प्रमुख हेमंत करके समेत मुंबई पुलिस के कई आला अधिकारी भी इस हमले में अपनी जान गंवा बैठे। आतंकियों की ये गोलीबारी सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक सीमित नहीं रही। दक्षिणी मुंबई का लियोपोल्ड कैफे भी उन चंद जगहों में से एक था जो आतंकी हमले का निशाना बना था। लियोपोल्ड कैफे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से शुरू हुआ मौत का ये तांडव ताजमहल होटल में जाकर खत्म हुआ। लेकिन इस बीच सुरक्षा कर्मियों को 60 से भी ज्यादा घंटे लग गए। 160 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। मुंबई पुलिस और जांच अधिकारियों की माने तो हमलावर दो दो गुटों में बटे हुए थे। लियोपोल्ड कैफे में पहुंचे 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस कैफे में ज्यादातर विदेशी आते थे। विदेशी पर्यटकों के बीच ये कैफे काफी लोकप्रिय है। इससे पहले ही वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, हमलावरों ने जमकर गोलियां चलाई और वहां से निकलते बने। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक लियोपोल्ड कैफे में हुई गोलीबारी में 10 लोग मारे गए। सबसे ज्यादा आतंक का तांडव भीड़भाड़ वाले छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर मचा। मुंबई का ये स्टेशन देश के व्यस्ततम रेलवे स्टेशन में से एक माना जाता है। 26 नवंबर को यहां बड़ी संख्या में रेल यात्री मौजूद थे। हमलावरों ने यहां अंधाधुंध गोलियां चलाई। जांच अधिकारियों के मुताबिक यहां हुई गोलीबारी में अजमल आमिर कसाब और इस्माइल खान शामिल थे। बाद में अजमल आमिर कसाब पकड़ा गया, लेकिन इस्माइल खान मारा गया। यहां की गोलीबारी में सबसे ज्यादा 58 लोग मारे गए। मुंबई का ओबेरॉय होटल भी आतंकियों के निशाने पर रहा। ये होटल व्यापारिक तबके के बीच काफी लोकप्रिय है। इस होटल में भी हमलावर ढेर सारे गोला बारूद के साथ घुसे थे। माना जाता है कि उस समय उस होटल में 350 से ज्यादा लोग मौजूद थे। यहाँ हमलावरों ने कई लोगों को बंधक भी बना लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवानों ने यहाँ दोनों हमलावरों को मार गिराया था। मुंबई का मशहूर ताज होटल भी आतंकियों के हमले से अछूता नहीं रहा। ताज होटल के भूबंद में लगी आग आज भी लोगों के मन मस्तिष्क पर छाई हुई है। गोलीबारी और धमाके के बीच मुंबई की आन बान शान ताजमहल होटल की आग लोग शायद भी भूल पाए। ये इमारत 105 साल पुरानी है। गेटवे ऑफ इंडिया के पास स्थित ताज होटल विदेशी पर्यटकों में काफी लोकप्रिय है। होटल पर जब हमला हुआ तो वहां रात के खाने का समय था और बड़ी तादाद में लोग वहां इकट्ठा थे कि तभी अचानक अंधाधुंध गोलियां चलने लगी।
सरकारी आंकड़ों की माने तो ताज होटल में 31 लोग मारे गए और 4 हमलावरों को सुरक्षा कर्मियों ने मार दिया। मुंबई के कामा अस्पताल में भी आतंकियों ने हमला किया। मुंबई पुलिस की माने तो 4 हमलावरों ने एक पुलिस वैन को अगवा कर लिया और उसके बाद लगातार गोलियां चलाते रहे। इसी क्रम में वे कामा अस्पताल में भी घुसे। कामा अस्पताल के बाहर ही मुठभेड़ के दौरान आतंकवाद निरोधक दस्ते के प्रमुख हेमंत करके, मुंबई पुलिस के अशोक कामते और विजय सालस्कर मारे गए। इस खौफनाक आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 3 दिनों तक मुठभेड़ चलती रही। पुलिस और सेना के ऑपरेशन भी फेल होते नजर आ रहे थे। तब NSG कमांडो को बुलाया गया। NSG कमांडो ने सभी आतंकियों को मार गिराया। उनकी बहादुरी के चलते भारत पर आया ये संकट चल पाया। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जब सच दिखाने के लिए।